हेलो गाइस, वेलकम टू लक्ष्मीज फूड वर्ल्ड। आज मैं नेचुरल हर्बल शैम्पू बनाऊंगी जो कि हमारे बालों को काफ़ी मजबूत बनाता है और काले घने लंबे भी रखता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने शैम्पू बनाने के लिए चार इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। सबसे पहले हम सीका काई को पीसेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। सभी चीज़ें मैंने 200-200 ग्राम ली हैं। अब चलिए आंवला को पीसते हैं, इसके बीज को हम निकाल लेंगे। ये सभी चीज़ें अच्छे से सूखी होनी चाहिए, तभी आपका पाउडर फाइन बनेगा। सभी आंवले के बीज निकल गए हैं, लेकिन किसी भी आंवले का बीज अगर आपसे नहीं निकल रहा है तो आप इस प्रकार से कूट लीजिए और कूट कर बीज को हटा दीजिए। बीज को अलग कर दीजिएगा और अब पाउडर बना लीजिएगा। अभी पाउडर बनकर तैयार हो गया है, अभी हम कटोरी में निकाल लेंगे। अब चलिए रीठा यानी सोकनट का भी पाउडर हम बनाएंगे। इसको भी हम कूट कर इसके बीज को अलग कर देंगे, तभी ग्राइंडर में पीसेंगे, नहीं तो हमारी ब्लेड टूट जाएगी। इस प्रकार से आप बीज को हटा दीजिएगा। सारे बीज निकल गए हैं, अब चलिए इसका भी हम पाउडर बना लेते हैं। रीठा से शैम्पू में झाग होता है, रीठा का भी फाइन पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अब चलिए अलसी का भी पाउडर बना लेते हैं। अलसी हमारे बालों को क्रीमी जेल जैसा टेक्सचर देता है। सभी पाउडर बनकर तैयार हो गए हैं। अब चलिए शैम्पू बनाते हैं। शैम्पू बनाने के लिए एक लोहे की कढ़ाई लेंगे और इसमें 2 लीटर पानी हम डालेंगे। कोशिश करिएगा कि आप लोहे की कढ़ाई का यूज करें। अब रीठा, आंवला, सीका काई का पाउडर हम डाल देंगे, अभी अलसी का नहीं डालेंगे। ये शैम्पू बिल्कुल मार्केट जैसा बनकर तैयार होगा और अब इसे हाई फ्लेम पर हम बॉयल करेंगे। इस शैम्पू को आप हफ्ते में एक बार या बाल गंदे हैं तो आप 2 बार लगाइए। यकीन मानिए कि आपके बालों का झड़ना, कमज़ोर होना जैसी समस्याओं से काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। आपके बाल जल्दी से पकेंगे नहीं यानी सफ़ेद नहीं होंगे और काफ़ी मुलायम चमकदार रहेंगे। तो इसे आप लगाइए, फिर मुझे बताइए कि आपको लगाकर कैसा महसूस हुआ। आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल जेल जैसी हो रही है। जब आपको पेस्ट ठीक लगे तो आप थोड़ा सा पानी और मिला दीजिए। इसे आपको सिर्फ इस तरीके से लगाना है कि बालों को गीला कर लें, फिर शैम्पू को हाथ में लेकर मसाज करें और बालों को धो लें। इसमें ज़्यादा फेना तो होता नहीं है, तो कोशिश करिएगा कि आप नेचुरल हर्बल शैम्पू ही यूज करिए। आप देख सकते हैं कि अब ये पतला हो गया है। अब अलसी का पाउडर भी ऐड कर देंगे और अच्छे से उबाल आने देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल मार्केट जैसा हर्बल शैम्पू बनकर तैयार हो गया है। आप सोच रहे होंगे कि पानी मैंने कई बार डाला है, तो अलसी पाउडर डालने के बाद 1 लीटर पानी हम और ऐड करेंगे और अच्छे से बॉयल करेंगे। यानी कुल मिलाकर इस शैम्पू को बनाने में मैंने 3.5 लीटर पानी का यूज किया है। पेस्ट काफ़ी थिक हो गया है और शैम्पू बनकर तैयार हो गया है। अब चलिए गैस को हम बंद कर देते हैं और इसे कोशिश करिए कि गरम गरम ही छानिएगा। रीठा के कारण झाग भी है। मेरे घर में तो मेरी बेटियाँ यही शैम्पू यूज करती हैं और उनके बाल काफ़ी अच्छे हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो आप लोग इसको बनाइए और अपने बालों में ज़रूर लगाइए। भगोना लेंगे
और एक छन्नी लेंगे, उसके ऊपर हम एक कॉटन का कपड़ा रख देंगे और इसे हम गरम गरम छान लेंगे। थोड़ा थोड़ा ही डालिएगा और ऐसे ही छान लीजिएगा। अगर गरम छानने में दिक्कत हो रही है तो आप थोड़ा सा गुनगुना रह जाए तब आप छानिएगा, लेकिन कोशिश करिए कि गरम अगर छन पाए तो गरम ही छान लीजिएगा। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और छानते जाएंगे। इस प्रकार से कपड़े से हम निचोड़ देंगे, लेकिन अगर आपको कपड़े से शैम्पू निकालने में दिक्कत हो रही है तो आप डायरेक्ट स्ट्रेनर में भी छान सकती हैं, क्योंकि इसका पेस्ट काफ़ी थिक होता है। 3 लीटर में आप ये समझिए कि 1.5 लीटर पानी जल गया है और 2 लीटर का शैम्पू बना है। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब इसे एक बोतल में रखकर हम स्टोर कर लेंगे। आप इसे 3 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, जब लगाना हो तब आप निकाल लीजिए। आप देख सकते हैं कि शैम्पू में कितना बढ़िया झाग आया है, लेकिन बाहर वाले शैम्पू जैसा तो नहीं होगा, लेकिन बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस बचे हुए मटेरियल को हम फेंकेंगे नहीं, इसको भी हम बालों में लगाने के लिए यूज कर लेंगे। तो जब भी आप लगाने चलिए तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे उबाल लीजिए और बालों में लगा लीजिए। तो जब तक आपका ये मटेरियल चले तब तक आप इसी को लगाइए। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा हर्बल शैम्पू बनकर तैयार हो गया है। जब भी आप इसे बालों में अप्लाई करें तो इस प्रकार से हाथों में निकाल लें और बालों को गीला करके इस शैम्पू से आप मसाज करें। इसके बाद अपने बालों को धो लें, फिर आप खुद ही देखेंगे कि आपके बाल कितने चमकदार होते हैं और बहुत ही मुलायम होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को